मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा कर्मचारी जगत को दी गई बड़ी सौगात के विषय में। क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बनाए समय को आज शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों आपको बता दें राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन मान के एरियर की दूसरी किस्त देने के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 मई को यह एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों का एरियर भी देश राशि GPF खाते में जमा किया जाएगा, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एरियर 50% GPF खाते में और 50% नगद दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को 100% नगद एरियर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन लागू किया है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से अगस्त 2018 तक 18 महीनों का एरियर दिया जाना है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2018 में पेश किए एक बजट में एरियर की राशि 3 किस्तों में देने की घोषणा की थी, लेकिन 2018 से हर साल 1 मई को एक किस्त एरियर के रूप में दी जा रही है। एरियर का जो पैसा सरकार कर्मचारियों के GPF खाते में डालेगी उन्हें वे टुकड़ों में निकाल सकते हैं। दर्शकों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी गई बड़ी सौगात के विषय में एक जरूरी सूचना। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। दर्शकों और यदि आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।